भाई वो सहबा कहाँ है? सहबा घर पे ही होगी, कमरे में होगी। गेस्ट आए हुए हैं डिनर पे और वो कमरे में बैठी है, उसे बुलाओ। हाँ, ऐसे इर्तिज़ा और सहबा आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई नवीद खान के इर्तिज़ा ने तुम्हारी फर्म ज्वाइन की है। इस हवाले से हमारी दोस्ती मजीद मजबूत होगी। बिल्कुल, अब तो फैमिली की तरह बात लगने लगी है। अरे मुनज़्ज़ा, अपने गेस्ट को सर्व करो। भाभी आपने कुछ लिया नहीं, कुछ और लेना प्लीज। थैंक यू सो मच। प्लीज इर्तिज़ा, फिश तो ट्राई करो, खास मंगवाइए। जी श्योर, ट्राई करता हूँ। हेलो एवरीवन। हाय। हेलो सहबा, हाउ आर यू? गुड। बेटा बैठो, डिनर करो हमारे साथ। मुझे भूख नहीं है। वो दरअसल इसने अभी सुपर स्नैक्स खाए थे ना, तो इसको भूख नहीं है। सर सही बात बताया करो ना पापा को। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर भूख नहीं है बैठो तो सही। इर्तिज़ा तुम्हारा दोस्त है, इसे कंपनी दो। How about हम डिनर के बाद कॉफी पे मिल लें? Sure. Sounds like a plan. See you. Sahiba, I'm really thankful. तुमने मेरे और मुश के मामले में हमारी काफी सपोर्ट की। To be honest, दोस्ती के मामले में तुम्हें काफी immature समझता था, लेकिन तुम तो बड़ी सिंसियर निकली। तुमने मेरे और मुश के रास्ते हमवार करके हमारी वाकई बहुत मदद की। I'm really glad. वैसे तुम ठीक कह रहे हो, दोस्ती के मामले में मैं बहुत सरपरी और शिद्दत पसंद हूँ। Really? लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको मैं दिल से चाहती हूँ। Good. लेकिन मैंने ये सब कुछ तुम लोग की ये फेक अप्रिसिएशन पाने के लिए नहीं किया है, ना ही तुम्हारी और मुश की मदद के लिए किया है। मुझे अपना एक काम था। अपने किसी मतलब के लिए? What do you mean? Let me explain. तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं मुश को कन्विंस कर दूं कि वो उस पार्टी में आ जाए, तो तुम मुझे नोमी के बारे में एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दोगे। इर्तिज़ा, आई एम रियली सरप्राइज्ड, क्योंकि मैं नोमी को इतने टाइम से जानती हूँ और मुझे ये बात नहीं पता, और तुम्हें ये बात पता है। हालांकि हम लोग पिछले 5-6 साल से एक दूसरे के साथ साये की तरह होते हैं, और तुम चंद दिनों पहले बाहर से आए हो। हाउ इज दैट पॉसिबल? कम्स इन, बताता हूँ। श्योर। देखो सहबाब, तुम एक लड़की हो, और लड़कियां चाहे कितनी भी लिबरल माइंडेड क्यों ना हो जाए, जब किसी को पसंद करती हैं, किसी से मोहब्बत करने लगती हैं, तो उसके बारे में काफी पोसेसिव भी हो जाती, अपने अलावा किसी और को बर्दाश्त नहीं करती उसके आगे। मेरे हिसाब से ना, सारी लड़कियां ख्वाब देखने के मामले में एक जैसी होती। कुछ समझी? नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे आराम से समझाओगे तो शायद समझ जाऊं। अब सहबा, ठीक से तो मैं तुम्हें तभी समझाऊंगा जब मेरे पास सारे सबूत होंगे। मुझे लगता है तुम मेरी बात का तभी यकीन करोगे। कौन से सबूत? वेल, कुछ है सबूत जिन्हें देखने के बाद शायद कुछ अरसे के लिए तुम डिस्टर्ब हो जाओ, लेकिन आई एम श्योर ये वक्ती तौर पे होगा। यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, यू विल गेट आउट ऑफ इट। कब दोगे तुम मुझे सबूत? जब तुम कहो, जब तुम समझो कि तुम स्ट्रांग हो गई हो, लेट मी नो, एंड आई विल गिव देम टू यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। इतना इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों किया? ताकि अपनी सुबह खूबसूरत बना सको, नसीन बना सको। अच्छा सुने, मैं कॉलेज जा रही हूँ, और
अबू जी बाहर इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सुनो, अपने अबू से कहना कि तुम्हें आज कॉलेज ले लेना है। क्यों? क्योंकि आज कॉलेज के बाहर मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा और तुम अपने अबू जी से अपने जैसा कोई खूबसूरत बहाना बना देना। आप ना मुझे मरवाएंगे। तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे सामने तुम्हें खड़ा मिलूंगा। मुश्किल डोंट वरी। अच्छा चलें, अभी फोन रख रही हूँ, 2 बजे मिलते हैं। हाय, अभी 2 बजने में बहुत वक्त है मुश्किल, कैसे गुजरेगा ये टाइम?